हिमाचल प्रदेश का जिला लाहौल स्पीति एक तरह से ठंडा रेगिस्तान है, क्योंकि यहाँ बारिश कभी कभार बड़ी मुश्किल से होती है। लिहाजा लाहौल स्पीति घूमने जाना एक एडवेंचर वाला अनुभव हो सकता है सभी के लिए। यहाँ के पहाड़ और पर्वत श्रृंखलाएं पूरी तरह से बंजर नजर आती हैं। शायद ही कोई पेड़ पौधा आपको यहाँ नजर आ जाए। यहाँ किसी भी मौसम में आपको बर्फबारी देखने को मिलती है। ट्रैकिंग में दिलचस्पी है तभी स्पीति वैली आपके लिए घूमने की बेहतरीन जगह साबित हो सकती है। यहाँ पहाड़ों से नीचे उतरती नदियाँ भी तेज धार के साथ बहती हैं। यहाँ आसमान का रंग भी कुछ अलग तरह से ही नीला नजर आता है, जबकि बाकी जगह अलग तरह का नीला है। ठंडी हवाओं के बीच आपको जगह जगह बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग्स उड़ते नजर आएंगे, जो इस जगह के कल्चर का प्रतीक होते हैं। तो चलिए आज मैं आपको लाहौल स्पीति वैली की कुछ जगहों पर घुमाने ले चलती हूँ। उसमें से जो हम प्रथम घूम रहे हैं वह है चंद्रताल। चंद्रताल के विषय में मैं आपको बताती हूँ। चंद्रताल प्राकृतिक झील है। यह कुंजुम दर्रे के 9 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। झील एक व्यापक घास के मैदान में स्थित है, जो प्राचीन काल में एक ग्लेशियर था। झील लंबाई में लगभग 1 किलोमीटर और चौड़ाई में उसकी आधा है। यह 5 किलोमीटर लंबी है। झील के बीच में एक पूरा पैच, जिसे समुद्री टापू भी कहते हैं, वहाँ पर बहुत लोगों ने पहुँचने की कोशिश की, लेकिन वो सब व्यर्थ ही गई। हिमनद झील में रहने वाले मत्स्यांगना की एक कहानी है। यह भी कहा जाता है कि स्पीति घाटी में हंसा गांव के एक चरवाहा परी के साथ प्यार में पड़ गया पानी और उस झील में गिर गया। पानी में उसने नीचे कुछ समय बताया। झील में क्रेन और बतखें बहुत अधिक है। घास के समुद्र के विकास का कारण चंद्रताल चरवाहों के लिए पसंदीदा स्थान है। झील में पानी इतना सुंदर है कि आप झील के नीचे के पत्थर भी आसानी से देख सकते हो। यहाँ पर सर्दियों के मौसम में यह झील जम जाती है। इसका पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है और प्रदूषण से मुक्त है। इसका नाम चंद्रताल इसलिए पड़ा क्योंकि इसका आकार बिल्कुल चंद्रमा के जैसा है। और इसकी खासियत यह है कि इस झील का पानी दिन के अलग अलग समय में अपना रंग बदलता रहता है। वैसे तो चंद्रताल झील तक पहुंचने के लिए आपको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। आप चाहें तो बातल या कुंजुम पास के जरिए पैदल ही लेक तक पहुंच सकते हैं, या फिर सड़क मार्ग के जरिए भी यहाँ पहुंच सकते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा समय लगता है। भारत का इतिहास जब भी पढ़ा जाता है ना, तो दो चीजों का जिक्र हर बार किया जाता है। पहली यहाँ के किले और दूसरा यहाँ की नदियाँ। सिंधु घाटी से लेकर यमुना नदी तक के किनारे बने भव्य फोर्ट या ताजमहल इस बात की गवाही देते हैं। इसलिए आज भी भारत के लिए नदियों का इतिहास बेहद मायने रखता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी और नर्मदा, यह नदियाँ भारत के लिए हमेशा पवित्रता से भरी रही हैं और पूजनीय रही हैं। इन्हीं नदियों की तरह हिमालय में मौजूद स्पीति नदी भी भारतीय इतिहास के लिए बेहद बेहद खास मानी जाती है। लाहौल स्पीति के खूबसूरत घाटी को पालने पोसने का काम यह स्पीति नदी करती है। स्पीति नदी जो हिमालय के कुंजुम रेंज से निकलती है, यह लाहौल और स्पीति को दो हिस्सों में बांटती है। चूंकि हिमाचल प्रदेश का यह हिस्सा ठंडे रेगिस्तान जैसा है और यहाँ बारिश न के बराबर होती है, लिहाजा अगर बात की जाए इस नदी की, तो इस नदी को बारिश का पानी बिल्कुल भी नहीं मिलता है। इस नदी का पानी
ग्लेशियर से पिघलने वाले पानी पर निर्भर करता है। इस इलाके में ज्यादातर इंसानी बसावट स्पीति नदी के किनारे ही स्थित है। यदि इस नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 130 किलोमीटर है और अंत में यह सतलुज में जाकर मिल जाती है। जहां पर यह सतलुज में मिलती है उस स्थान को हंगरंग घाटी के नाम से जाना जाता है। यह स्पीति नदी सतलुज नदी की सहायक नदी है। स्पीति नदी को कई लोग स्पीति घाटी के नाम से भी जानते हैं और यह नदी समुद्र तल से लगभग 13,000 से भी अधिक फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नीले रंग के पानी की वजह से यह दोनों ही स्थानों के लिए बेहद खास है। दोनों स्थान यानी कि लाहौल और स्पीति, और यह एक बेहद और खास लोकप्रिय पर्यटक स्थल के रूप में भी प्रसिद्धि पा चुकी है। रोहतांग दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति की घाटियों के बीच 3,980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हिमालय का ही एक दर्रा है। यह हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी के पूर्वी भाग में मनाली से 51 किलोमीटर दूर है और यह पूरा वर्ष बर्फ से ही ढका रहता है। इसे लाहौल और स्पीति का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। रोहतांग दर्रे का पहाड़ी ढलान इतना सुंदर है कि देश ही नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ पर स्कीइंग, आइस स्केटिंग, पैराग्लाइडिंग जैसी एडवेंचर स्पोर्ट्स में भाग लेने के लिए आते हैं। रोहतांग दर्रे में प्रवेश करने की अनुमति भारतीय सेना द्वारा दी जाती है, वे भी जब कि वह बर्फ को पूरी तरह साफ करें, उसके बाद ही आपको यहां जाने की अनुमति मिलती है। रोहतांग दर्रे को लाशों की जमीन भी कहते हैं क्योंकि यह माना जाता है कि CBRI के कर्मचारी रोहतांग दर्रे को पार करते समय इसके नीचे दबकर मर गए थे। यहां पर बहुत सारी पिक्चर्स की शूटिंग भी होती है। रोहतांग दर्रे पर बड़े पैमाने पर बहुत बड़े बड़े भूस्खलन होते हैं और जो यहाँ बर्फ हटाता है उन्हें बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ता है। यह दर्रा पीर पंजाल के दोनों ओर के लोगों के बीच एक प्राचीन व्यापार मार्ग है। जोजिला दर्रा की तरह यह रोहतांग भी लद्दाख के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। मनाली में रोहतांग दर्रे की यात्रा के दौरान रानी का नाला सबसे खतरनाक है, जो यहाँ के लिए भी एक बड़ी अड़चन बना हुआ है। पिछले कुछ सालों से यह फिसलने वाला क्षेत्र बन गया है। गर्मी के मौसम में जैसे ही बर्फ पिघलती है रानी नाले में आग लग जाती है। रोहतांग दर्रे का अगर आप यात्रा पर आते हैं तो बेस्ट जो समय है वह ग्रीष्मकाल है, यानी कि गर्मी की ऋतु है। मई से जून तक यह खुला रहता है और इस दौरान भारी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं यहाँ दोनों तरफ जो है बर्फ की लगभग 20 से 30 मीटर ऊंची दीवारें बनी हैं, जिसे यहाँ के कर्मचारियों द्वारा साफ किया जाता है, लेकिन अगर भूस्खलन हो जाए तो उनकी मेहनत जस की तस हो जाती है। जुलाई से अगस्त में यह दर्रा बंद रहता है। मॉनसून खत्म होने के बाद सितंबर से अक्टूबर तक यह फिर खुलता है। रविवार को रोहतांग दर्रा बंद रहता है और जबकि मंगलवार को यह पर्यटकों के लिए बंद रहता है। यह दर्रा सुबह 6 बजे से शाम 5 खुलता है और शाम 5 बजे बंद हो जाता है। तो जब यहाँ पर घूमने जाएं तो पूरी इंफॉर्मेशन के साथ यहाँ पर जाएं। आगे की ओर बढ़ते हुए हम पहुँचते हैं कोकसर। लाहौल और स्पीति जिले में स्थित है कोकसर। यह लेह मनाली राजमार्ग पर स्थित एक छोटा सा गांव है। इसका मतलब होता है अल्पाइन बड़ा।
विशाल हाईलैंड बहुत बड़ा, लंबा और बहुत विशाल। बहुत विशाल इस जगह का नाम का मतलब होता है और यह चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर कोकसर माता का मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। कोकसर अटल टनल से लगभग उत्तरी पोर्टल से 7 किलोमीटर दूर स्थित है। कोकसर लाहौल का सबसे ठंडा स्थान है। सर्दियों के दौरान यहाँ ज़्यादातर बर्फबारी होती है, लेकिन गर्मियों के महीनों के दौरान यहाँ पर लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह और भोजनालयों में बहुत काम रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है होने के कारण यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर लैंडस्केप देखे जा सकते हैं। यहाँ पर ट्रैकिंग करने के रास्ते भी बहुत सारे हैं। यह राज्य की राजधानी शिमला से 340 किलोमीटर दूर और मनाली से 70 किलोमीटर दूर है। लेह मनाली राजमार्ग पर स्थित होने के कारण यहाँ पर एक पुलिस चेक पोस्ट स्थापित की हुई है, जो कि यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को जानकारी देते हैं और उनकी सहायता करते हैं। यहाँ पर गांव में एक मठ भी है जिसका अपना ही एक धार्मिक महत्व है। पर्यटन की दृष्टि से कोकसर का अपना एक महत्व है, क्योंकि यह न केवल रोहतांग से पहले है बल्कि यह एक लाहौली गांव भी है। तो यह जानकारी थी कोकसर के बारे में और लाहौल स्पीति के बारे में मैंने आपको कुछ जानकारियाँ दी हैं। होप आपको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। यह था हिमाचल का एक डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति। आइए यहाँ पर घूमिए और अपने अनुभव ज़रूर साझा कीजिए। यहाँ के कठिन परिवेश, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के त्यौहार, यहाँ के लैंडस्केप देखकर आप क्या अनुभव करते हैं उसको शब्दों में ज़रूर बयां कीजिएगा। मेरा यह ब्लॉग अगर आपके किसी भी काम आए तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हैं किसी और डिस्ट्रिक्ट के, हिमाचल के किसी और डिस्ट्रिक्ट के की बात करते हुए। तब तक के लिए मैं इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त शिमला ब्लॉगर दीपशिखा आपसे कहना चाहती हूँ टाटा, बाय बाय, फिर मिलेंगे दोस्तों।